कई ऐसे मौके आ जाते हैं कि बहुत पछतावा होता। मैं परेशान हो जाती हूँ जो ABHDTV मैं भी सब्सक्राइब किया तो तुम भी सारे करो तो देखना मेरा इंटरव्यू। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज फिर एक नवे मेहमान नाल पेशे खिदमत बाबर बेग ABHDTV की तरफों। जिस तरह कि साडा तुहाडा वादा है कि असी हमेशा एक नवे मेहमान नाल तुहाडी मुलाकात कराने आ और उहदे बारे च जानने आ जिहदे बारे च तुहानू वी उहदा इलम हो जांदा है और तुसी वी जानना चाहुंदे हो। तो इस तरह साड़ी अज बड़ी खूबसूरत हसीना पाकिस्तान की नामवर स्टेज की आर्टिस्ट नामवर आर्टिस्ट सरापाए हुसन चंचल हसीना पता नहीं की अगर मैं सारी रात उन्होंने बारे च अल्फाज कहता रहांगा तो शायद ख़त्म नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल इन्नी देर नहीं करनी चाहिए। तुहाडा जाणिया पहचाणिया ना पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जानते हैं महक भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा महक भट्ट जी, तुहानू मैं सब तो पहले पूछना चाहवागा कि तुहाडा नाम महक भट्ट हकीकी नाम है या ये तुहाडा फिल्मी नाम है? ये मेरा फिल्मी नाम है। ऐ तुहाडा फिल्मी नाम है, ठीक है, अच्छी गल है। तकरीबन हर आर्टिस्ट के दो ही नाम होंगे ने, एक फील्ड का नाम होंगे तो खैर। अच्छा तुसी ये दसो कि तुसी बैक वक्त स्टेज कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, टीवी कर रहे हो, कितने कितने काम कर रहे हो? मैं फिलहाल स्टेज कर रही हूँ तो टीवी कोहिनूर न्यूज़ KN न्यूज़ उत्थे प्रोग्राम कर रही हूँ। शुगल मुगल। शुगल मुगल, ठीक है। एक दो सीरियल ने वो भी मैं उन्होंने भी इंशाल्लाह जल्दी नज़र आवाँगी जी। साड़ियाँ दुआवां ने अल्लाह ताला तुहानू दिन दुगनी ते रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अच्छा मैं तुहानू ये पुछना चाहवांगा कि किन्ने अरसा हो गया तुहानू पाकिस्तान शोबिज़ च काम करदे आ? तकरीबन 8-9 साल। 8-9 साल तो की फील करते हो कि शोबिज़ दे विच काम करना आसान है? नहीं, शोबिज़ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखने वाले तो यह लगता है कि बहुत आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। पब्लिक फेस करना, वैसे भी और भी काफ़ी मुश्किलात ने इस काम च। अच्छा एक किस तरह शौक सी, इतफाक सी, हादसा सी, किस तरह तुसी शोबिज़ च आए? हादसा समझ लो, शौक नहीं सी। नहीं गल तुसी हादसे च पाती है, क्लीयर करो थोड़ा जहा। नहीं बिल्कुल शौक नहीं सी, बाय चांस एक दफ़ा लाहौर गए हैं, डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवा रही सा मैं, थोड़ा सारा टाइम मिलिया, मेरे नाल कुछ फ्रेंड्स सन, उन्होंने बोलिया कि ड्रामा देखना, मैं क्या नहीं, मैं नहीं देखना, मैनू शौक नहीं, मैनू इन्हों की समझ ही नहीं आती है, जुगतां दी है सब कुछ, मैं नहीं कर सकती। उन्होंने क्या नहीं देखना, मैं देखिया इसी तरह मैडम निधा चौधरी, मेघा जी, मैडम खुशबू, इन्हों का ड्रामा मैं वेख्या, लेकिन मैं फैन नरगस की सा, मैडम नरगस की, ठीक है। मैं उन्होंने वेख्या ना जिस तो मैनू अच्छा लग्या, मज़ा आया ड्रामा वेख के। एक दो दफ़ा मैं फिर गई हूँ, फिर बैक स्टेज सारी आर्टिस्ट जितनिया भी सन मैनू पसंद सन, मैं उन्होंने तस्वीर बनानिया, इस तरह थोड़ा जहा शौक होया। लेकिन महफिल थिएटर च उस टाइम प्रोड्यूसर इसहाक साहब सन, उन्होंने ना मैनू भैन बनाया, उन्होंने मैनू ऑफर की कि तू ड्रामे काम कर, मैं नहीं मनी, मैं क्या नहीं मेरे को नहीं होना। लेकिन उस दिन मेरी फस्ट एंट्री, जिस तरह मैं करो जो कपड़े पा के गई सा उन्होंने कपड़िया मेरी उन्होंने एंट्री करवा दी बाय चांस, ठीक है। तो वाकई हादसा होया ना? हाँ जी, मैनू बिल्कुल नहीं सी पता कि मैं ये काम करांगी। यकीन मानो मैं पहली बार जो सैट पर गई हाँ ना, मेरा जिसम इस तरह काम रहा सी कि मेरे पैर जमीन पर लग ही नहीं सिरे, मैनू इंज लगता सी जिस तरह मैं डिग जाना सैट पर ही डिग जाना, इस तरह मेरे ना हादसा होया। तो फिर उन्होंने दोबारा क्या कल आएंगी, मैं क्या पता नहीं, उन्हें क्या तू आएंगी, वाकई मैं चली गई। वो फिर एक शौक पैदा हो गया, ठीक है, ठीक है। उस शौक नू फिर बिल्कुल अगे ले जांदे आ, मेरा दिल कीता मैं काम करा, मैं कुछ बना। लेकिन जो मैं इस फील्ड च प्रॉपर तौर पर एंटर हुई हाँ ना, फिर मैनू पता चलिया कि काम आसान नहीं, ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पैंदी है, बहुत मेहनत, लेकिन लोग शायद नहीं समझते बिल्कुल भी।
जी बिल्कुल, इस तरह ही है कि फनकार की मंजिल जी बड़ी मुश्किलात तो गुजरती है। हाँ, तो लोगों को नहीं पता, बस यही लोगों को चाहते हैं कि उन्होंने पता चले कि फनकार जड़ा कि एहसास और किन्नी मुश्किलात नाल। अच्छा, पहली दफ़ा यदा मतलब तुसी फिर ड्रामा देखने शौक नाल आए, फिर उस तो बाद आदत बन गई। हाँ, आदत पै गई। बिल्कुल आदत पै गई, शौक भी पैदा हो गया, तो फिर दिल नहीं किया पिछे हटन से। फिर दिल किया काम करा, फिर मैं टीवी ते ड्रामा किया मारिया वास्ती नाल सीरियल हम सितारे चैनल ते लम्हा ड्रामा, ठीक है। फिर वो किया, फिर मैं टीवी का शौक पैदा है। मैं समझा कि स्टेज नालों टीवी का काम अच्छा है, ठीक है। फिर मैं एक दो फिल्मा कीतिया ने, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुई, ठीक वो रिलीज़ हुई नहीं, वो शायद होनिया भी नहीं। वैसे भी वो बड़िया फिल्मा नहीं सन, छोटिया ही सन, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुई। एक है पिछे ले बहू जी फिल्म की है, उस एक गाना किया है, लेकिन हले तक वो भी नहीं रिलीज़ हुई। नहीं नहीं, बाऊ जी जाहद अली अली। हाँ, इंशाल्लाह बाऊ जी लगन वाली है। तो नाजरन, फिल्मों का जोड़ा है बड़ा वाडा आलमी है साढ़े इतने। लोग पूछते हैं जी, ये फलाना बंदा क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। एक फिल्म बनाना, उन्होंने बना के रिलीज़ करना, सैनमे तक ले जाना, उसकी पब्लिसिटी करनी, एक छोटा जहा काम नहीं होंदा। लेकिन लोग बड़ी आसानी ना कह देंगे कि क्यों हले। तो ये बड़े मसाइल होंगे ने, शायद आम बंदा ना इन्हों तो वाकब हों ना इन्हों जान सकता। तो खैर महक जी, सानू तुसी ये दसो कि तुसी फॉलो या तुसी फैन जड़े वो मैडम नरगिस दे साओ। तो मैडम नरगिस नो डाउट साढ़े पाकिस्तान का मान, तो साढ़े पाकिस्तान की शान ने, बहुत अच्छिया आर्टिस्ट ने, ऐसी आर्टिस्ट सदियों च पैदा होती है। तो की तुसी हुण भी फॉलो अप उन्होंने करते हो? जी बिल्कुल, मैं हुण भी उन्होंने फैन हाँ। बेशक उन्होंने छड़ दिता, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट ने, सब अच्छे ने, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अगर फॉलो करनी है तो उन्होंने ही करनी है। तो मैडम नरगिस तो बस दफ़ा कॉमेडी भी बड़ी बड़ी अच्छी, बड़ी बड़ी अच्छी जुगत करते सन, तो तुम भी अपने करैक्टर जुगतं करते हो स्टेज पर? नहीं, मैं जुगत नहीं आदि, जुगत बहुत घट करनी है, लेकिन मैडम नरगिस से फ्री जो टाइम हो ना, तो उन्होंने क्लिप जड़े ने वेखती रहनी है कि जुगत कर रहे ने, किस तरह बोल रहे ने, उन्होंने फॉलो करनी है। जिनी कु समझ आए उन्नी कु जुगत कर देनी, ज़्यादा जुगत नहीं आदि। अच्छा, जिथे तक मैं याद पैंदा कि तकरीबन अज तो 5-6 साल पहले मेरा तुहाडा लास्ट प्ले सी, उस तो बाद खैर मैं भी खैरबाद कह चुके हाँ। तो अज 5-6 साल तो बाद मेरी तुहाडे नाल मुलाकात है। तो ये दसो कि जिहड़ा सफ़र तुसी तय किया है, उस सफ़र तो ते सफ़र च मैं अज बड़ी फीलिंग महसूस कर रहा वहाँ। माशाल्लाह तुसी काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी अगे आए हो, बल्कि तुहाडी मैं पब्लिसिटी वेखदा रहना, बड़िया बड़िया अच्छिया टीमों माशाल्लाह तुसी मेन करैक्टर कर रहे हो। तो ये सफ़र तय करन च की दुश्वारियां पेश आईयां ने? सब तो पहला दुश्वारी है पेमेंट मर जाती। नहीं, पेमेंट वाला रोग जेड़ा खैर वो तो बड़ा पुराना है। अगर ये रोग पुराना ना होंदा तो शायद मैं भी स्टेज पे ही होंदा, लेकिन पेमेंट नहीं मिलती, अपना आप मार के ही आगे आना पैंदा है, ठीक है। मेहनत करनी पैंदी है। अजकल जो भी है ना, अजकल साढ़े शोबीज ना है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जिस लड़की दियाँ टिकटा ज़्यादा लग रही, सीटा ज़्यादा लग रही ने, जिदे फैन ज़्यादा आ रहे ने, उन्होंने ही ज़्यादा ना लिया रहे ने अगे। उस तो अलावा कोई हाल नहीं, जिदे चमके ज़्यादा ने ना, वो क्लिक के चमके किनू कहते साढ़े नादरी दसो, क्योंकि इन्हों नहीं पता। हाँ जी, चमके है जो ड्रामा वेखन आ रहे हैं, जिन्होंने फोनों पर रबते ने, जिन्होंने कह रहे साढ़े नाम की टिकट लैनी है, वो चमके होंगे। तो अच्छा मैक साहब, किस तरह ये कुड़िया एक टाइम च इन्ना टाइम कढ़ लैंदियां ने, किन्ने बंदियां नू कॉल कर लैंदियां ने, ते उहनां नू ड्रामे ते बुला लैंदियां ने? यकीन मनो, सच्ची गल दसांगी, मैनू हले तक इस गल का नहीं पता कि किस तरह मैनेज कर दियां ने इन्ने बंदे, मेरे को नहीं हो सकते। मैं नहीं नंबर दिंदी, मैनू शौक नहीं, ना मैं राबते रखनी हाँ लोगों नाल, जिन्हें आना आए। फैन साढ़े बहुत ने, बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट देंदे ने, प्यार करन वाले ने, लेकिन राबते नहीं असी रखते। अपने आप आते ने, सानू पता होंगे कौन साढ़े वास्ते आया, लेकिन दूसरिया लड़कियों तरह मेरे को नहीं होंगे। मेरी समझ तो बाहर है किस तरह वो गोल चक्कर व्हील का चक्कर होंगे ना, चक्कर दे रख दियां ने बंदियां नू, मेरे को नहीं दिते जाते चक्कर। चलो खैर, साइंस का सवाल है, समझ आना भी नहीं। तो यह दसो कि जो तुम 9 साल पहले आए सो, ड्रामा उदो बेहतर सी या अज बेहतर है? मेरे ख्याल उदो बेहतर सी, उदो ड्रामे सन, लोग ड्रामा वेखते सन। अजकल ड्रामा घट तो डांस ज़्यादा वेखते हैं, अजकल ड्रामा नहीं कोई वेखता, अजकल लोग डांस ज़्यादा देखते हैं।
ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਡਰਾਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਲੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗੈਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਫੈਮਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇ ਬੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਮਹਿਕ ਬੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ ਅਗਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਲ ਅਗਰ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਬਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫੈਮਲੀ ਵੇਖਣ ਆ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਂਸ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਂਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਰਗੈਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ? ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਟੇਜ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਟੀਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਬਿਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਟੇਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਟੀਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕਦੋਂ ਪਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਲਾਦੀਨ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਤਕਬਿਲ 'ਚ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜ਼ੁਲਫੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਇਨਕੋ ਛੂਤਾ ਹੋਗਾ, ਸੁੰਦਰ ਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜ਼ੁਲਫੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਇਨਕੋ ਛੂਤਾ ਹੋਗਾ, ਫੂਲ ਸੇ ਲਬ ਜਬ ਕੁਛ ਕਹਤੇ ਹੋਂਗੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸੁਣਤਾ ਹੋਗਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿਕ ਭੱਟ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜੱਜ 'ਚ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਈ। ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੂਟ ਕਰ ਚਾਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਅਜ਼ੀਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿ ਮੈਂ
कई बार जीरो ते आई हाँ, इन्नी मेहनत करके कई बार डिगियाँ, कई बार डिग के उठी हाँ, तो लेकिन मैं उन्होंने हासिल कर लिया। नहीं माशाल्लाह तुहाडा जिस तरह का फेस है तुहानू तो तमन्ना करन दी जरूरत नहीं, तमन्ना चल के आप आ जाती होनी है, तुसीं तो सिर्फ याद दिलों तुहानू करना चाहिए है। तो मुहब्बत तुसीं हासिल कर ली, दुनिया के हर इंसान की जिहड़ी सब तो ज़्यादा जिंदगी ख्वाहिश होंदी है अपनी मुहब्बत नू हासिल करना, उस तो बाद की ख्वाहिश बाकी है? ख्वाहिश है बाकी है कि अल्लाह ताला मेरा मुस्तकबिल अच्छा कर दे, मैं इस फील्ड चो साइड ते हो जावां। मैं ज़्यादा प्रॉपर इस काम नू नहीं चाहती है, मैं चाहनी हाँ कि बस ना कोई इस तरह का हो जाए मेरी ज़िंदगी अच्छा, कि मैं सुकून की ज़िंदगी आइंदा गुजारा, मेरी आखरत अच्छी हो जाए, क्योंकि सब कुछ है ही कुछ नहीं है। अच्छा महक जी, तुसी काम माशाल्लाह 9 साल तो कर रहे हो, तुसी बड़ा कुछ देखिया जिंदगी दे नशेबो फराज, जिंदगी दियां धुप्पां छावां, ते कुछ आखरत वास्ते भी सोचिया कुछ, कोई ऐसा जिंदगी कोई मिशन, कोई सोच, कोई इरादा, कोई कोशिश? कोशिश तो इंसान जिन्नी करे उन्नी घट है ना, आखरत वास्ते छोटिया छोटिया नेकियां जमा करना ये बड़ी गल है, जो साढ़े को हो सके असी करने आ, नमाज कुरान ए ये, लेकिन एक ऐ काम है ठीक है, ए तो एक साड़ी मजबूरी समझ लो, मजबूरी है या शौक है या जो भी है। इस फील्ड चा मैं काफ़ी मसले मसायल ने, कुछ गल्ला ऐसियां ने जिहड़ियां मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, तो बाकी मैं उमरा माशाल्लाह करके आई हाँ, अल्लाह के घरों हो के आई हाँ, नमाज पढ़नी आ, कुरान पाक पढ़नी आ, तो छोटिया छोटिया नेकियां करती रहनी हाँ। मैं चाहनी हाँ कि किसी की दिल आजारी ना होए मेरी वजह तो, कोई इस तरह के छोटे छोटे नेकियां करा कि कल नू मैनू भी ना पता होए कि वह जरिया बन जान मेरी आखरत ते मेरे काम आ सकन, जो मतलब कर सकनी हाँ मैं करती रहनी हाँ। माशाल्लाह तुसी अल्लाह का घर भी वेख आए हो, तो वाकई तुसी खुश नसीब हो, बाकी दिलों के भेद रब जानता है, और कौन अच्छा कौन बुरा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानते हैं, तो अल्लाह ही पढ़ते रखने वाला इंसान दे। तो ये दसो कि दुनिया की नेकी करना चाहते हो, तुहाडा खून किसम चाहिए होगा दे दोगे? मेरे च खून बड़ा घट है। नहीं नहीं खून घट नहीं होंगे, सिर्फ तुम यस नो करो कि खून दे दोगे या नहीं। जी दे देंगी। नहीं मैं तुहानू इस तो पूछ रहा कि मैं एक ऐसे अदारे नाल काम करना सुंदर फाउंडेशन नाल, क्योंकि मेरा दिन रात ये तुसी मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, खून दतिया मांग रहे हो? नहीं मैं तो वैसे पूछा, कभी जरूरत पै जाती तो असं तुहाडे कोलों मतलब तवक्को रख सकते हैं। जी बिल्कुल। चलो जी माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहानू कामयाबियां ते कामरानियां अता करे। तो अच्छा ये दसो कि तुसी की जिहड़े तुहाडे देखण वाले ने, तुहाडे चाहण वाले ने, उन्हां नू की पैगाम देना चाहोगे? के ना वेखना अपने घर आल तवज्जो दे, की फजूल खर्चिया करने नहीं तो अगर वो नहीं आएंगे फजूल खर्चिया करेंगे तो फिर किस तरह मतलब तुहाडा फन कौन वेखेगा? मजाक कर रही हां, लेकिन मैं उन्होंने की पैगाम दिया, उन्होंने तो असी मतवजो करने अपने आओ वेखन आओ, पर मैं उन्होंने कुछ नहीं कहना चाहती। मैं यही कहनी हाँ कि आँदे हो हर आर्टिस्ट की रिस्पैक्ट करो, उन्होंने समझने की कोशिश करो कि कोई इस स्टेज पर वे अगर तो कोई क्यों वे, ये पिछे की वजह है, ये जानने की कोशिश करो। कई लोग हूटिंग करते हैं, कई लोग पिछे बह के पता नहीं की बोल देंगे ने, कि जड़ा कई दफ़ा बर्दाश्त तो बहर हो जाता है। इस तरह नहीं करना चाहिए, आर्टिस्ट हसास होंगे ने, इन्हों मुहब्बत की जरूरत होंगी है, प्यार की जरूरत होंगी है, इन्हों हर्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा तुम जो स्टेज पर खड़े होंगे तो बस दफ़ा मैं देखना हाल के लोग बड़िया आवाज़ा कसते हैं, बस दफ़ा लोग बड़ी बड़ी आकवर्ड गल कर देंगे ने, की कभी ऐसा इतफाक होया कि गल सुन के तुहाड़ियां अखां अबीदा हो गई हुण, तुहाड़ा दिल जिहड़ा मतलब वो बिल्कुल बेजार हो गया होवे? हाँ जी, दिल तो बेजार होंदा है, आवाजार होंदा है, लेकिन उस टाइम मैं रोंदी नहीं सैट ते, उस टाइम मैं अगले दी माँ भैन एक कर देनी आ, घर जाके पई रोवां, किसी सामने नहीं मैं रोंदी। ठीक है। अच्छा ये माँ भैन एक करन तों इलावा होर तुहाडे च किहड़ी किहड़ी क्वालिटी पाई जांदी? आप ही कह सचियां सचियां दस, मैं कई बार लड़ी हाँ, कई बार मैं कहनी हाँ ठहर जा पहले मैं उन्होंने कढ़ लवा, पता क्यों ज़्यादा हर्ट असी इस वजह तो नहीं कि असी तो इन्होंने लोगों वास्ते काम कर रहे हैं ना, अगर ये ही उठ के सानू हूट करन तो इस तरह फिर अच्छी गल नहीं है। अगर तुम ड्रामा वेखन आए हो, तुम टिकट भी लीए, पैसे भी खर्चे ने, तो तुम क्यों किसी को इस तरह बदतमीजी कर रहे हो या क्यों इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? इंजॉय करो,
अगर पब्लिक अच्छी होए साडा भी दिल करदा है कि असीं अच्छा काम करिए, अगर पब्लिक इस तरह बगैरती करे तो फिर मज़ा नहीं आता। जी मैं बट सभा साढ़े नाल ने और मैं उन्होंने जो पहली दफ़ा भी देखा सी तो वाकई साड़ी शोबिज की दुनिया तो एक बड़ी अलग थलग लड़की नज़र आती है और बड़ी डिसेंट बड़ी क्यूट जी अपनी दुनिया च मगन, मतलब चूंकि असं शोबिज हाँ। मैं पहली दफ़ा जदों मेरी मुलाकात हुई सी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होया सा महक पढ़ तो कि वाकई जो सुनिया सी उधर में बेहतर पाया तो मैं इंशाल्लाह बफजले खुदा अल्लाह ताला इन्हों के जेड़े भी दिल के अरादे ने जड़िया भी इन्हों दियाँ जायज़ ख्वाहिशा ने अल्लाह ताला वो पूरियां करे। तो मुहर्रम जेड़ा तुसी उहदे विच की इरादा रखते हो? मुहर्रम इज्जत नाल घर गुजारांगे, मुहर्रमां च ते असी ड्रामा वगैरह नहीं करांगे बिल्कुल, ठीक है। नमाज कुरान जो साडे को हो सकिया, कुरान खानी खत्म दरूद सब कुछ करांगे। अच्छा तो तुसी ये दसो कि कल नूं तुसी जदों अंबली जिंदगी च जाओगे तो अपने बच्चों के बारे तुसी की चाहोगे कि वो इस फील्ड च आण ना आण? नहीं मैं ये चाहवांगी कदी भी ना आन इस फील्ड च। मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन मैं इस फील्ड को अच्छा नहीं समझती क्योंकि सानू लोग अच्छा नहीं समझते। असी बेशक बुरा कुछ भी नहीं ना करांगे लेकिन लोग सानू गलत निगाह नाल ही वेखदे ने, गलत अल्फाज बोलते हैं। इस फील्ड च जितने भी आर्टिस्ट ने, कोई एक्टर नहीं कहेगा, लोग कोई होर ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गलत बोलते हैं। मैं जो इस फील्ड च नहीं सी ना तो मैनू पता ही नहीं सी कि की कहा जाता है, एक्टर नहीं समझा जाता। जो मैं इन हुई हाँ मैनू पता चलिया, कुछ अल्फाज सुने ने, कुछ लोगों को बोलद सुनया, फिर एहसास होया कि मैं गलत किया इस फील्ड च आके, क्योंकि मेरा खानदान नहीं इस तरह का, सिर्फ मेरे को गलती हो गई। तो मैं आज तक बहुत पछतावा मैं अपनी इस गलती का, मैं अपनी इस गलती की वजह तो सब तो दूर भी हो गई। तुसी अपनी फैमिली नहीं मिलते? नहीं। उदा पछतावा है बहुत ज़्यादा, तो कभी अखा नम हो जाए ने याद करके या सोच के? बड़ी दफा इस तरह होया, कई ऐसे मौके आ जाते हैं कि बहुत पछतावा होता। मैं परेशान हो जाती हूँ जो अपने चारों तरफ नहीं ना कोई नज़र आता, कोई खुशी गमी के मौके, कोई ईद, कोई इस तरह त्यौहार, उस टाइम टेंशन होती। खैर इत हर चीज़ के पिछे मजबूरियां ने, क्योंकि मैं जिस फील्ड नूं अपना चुकी हूँ ना, इस फील्ड च मुनाफकत तो सिवा कुछ भी नहीं है। इस फील्ड च हर बंदा मुनाफक, तुहाडे मूँह ते तुहाडा है, तुहाडी कंड पिछो कुछ होर है। पैसा जिहदे कोल है उहदी इज्जत है, जिहदे पिछे पावर है उहदी इज्जत है, होर कुछ भी नहीं है। अज तुसी बीमार हो जाओ या फील्ड तो ज़रा हट जाओ, तुहानू किसे ने नहीं पुछना, सब मतलबी लोग ने। तो मैं शुरू तो अज तक मतलब दिल च रख के कभी किसी ना चली नहीं, शायद इस वजह तो मैनू बुरा लगता, शायद इस वजह तो मेरा दिल परेशान होंदा है। जड़े मुनाफकत करते ने जिन्हों आदत ने उन्होंने ये महसूस नहीं होंदा, लेकिन मैनू बहुत ज़्यादा होंदा। मेरे दिल च जो है ना मैं कह देना, मैनू वक्ती तौर गुस्सा आंदा है, मैं अगले के मुँह तो कर देनी हर गल, अगले नू बेशक बुरी लगे लेकिन पाँच मिनट बाद बल्कि थोड़ी देर गुजरन के बाद मेरे दिल च कभी किसी वास्ते कोई कुफर या कोई गल नहीं रही है, मैं दिल चो मिटा देनी हाँ हर गल। कदी नहीं मैं किसी वास्ते दिल च ज़्यादा नफरत रखी, कोई दुश्मन भी आए ना बेशक बड़ा गुस्सा होएगा, एक बार वो सामने आए मेरे ना हंस के बोले मैं भूल जानी हाँ हर गल, मोम हो जानी हाँ बिल्कुल। शायद है मेरिया कमजोरिया ने या मेरिया गलत गल्ला ने या अच्छिया ने, मैनू इन्होंने गलों का नहीं पता। नहीं मैं जी गल अच्छिया ने, अच्छे माँ बाप की तरबीयत होंगी है, वो किन्ने अच्छे माँ बाप होने जिन्होंने तुम्हें इन्नी अच्छी तरबीयत दी है कि तुम कभी भी किसी गल मसला नहीं बनाया। तो ये दसो कि तुम्हें ज़्यादा प्यार मामा करते सन पापा करते सन? मैं एक ही भैन हाँ, मेरी होर कोई सिस्टर नहीं, मेरे दो भाई ने, मैं एक कली सा, मैनू प्यार करते सन सारे। लेकिन मेरी जिंदगी कुछ मसले मसाइल इस तरह के हो गए कि मैं सब तो साइड तो हुई, साइड तो होंगी होंगी इस फील्ड च आ गई। इस वजह तो मेरी वालदा की डैथ हो चुकी है, जो याद आती है बहुत ज़्यादा
मेरे को कोई काम भी नहीं हुंदा फिर ते बाकी नहीं मिलदे मेनू पापा है ने जी है ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਮਿਲ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਈਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸਿਸਟਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਭ ਨਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਖਾਧੇ ਧੋਖੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਵਾਓ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਖਵਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਬਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਛ ਸਵਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਹਿਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ABHD TV ਇਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ABHD TV ਮੈਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਕੇ ਲੀਏ ਬੈੱਲ ਆਈਕਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਨਾ ਮਤ ਭੁੱਲੀਏ